हम सब जानते हैं कि हनुमान जी जो है वो राम जी के परम भक्त हैं, पर राम जी और हनुमान जी को मिलाने में माता जानकी का सबसे बड़ा हाथ है। और फिर हम एक चौपाई पढ़ते हैं ना हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। अगर अष्ट सिद्धियां, शक्तियां और नौ निधियां इसका आशीर्वाद जानकी माता हनुमान जी को दे सकती हैं, एक ही वो देवता है जिन्हें ये सारी चीजें मिली हुई है, और दिया किन्होंने है, जानकी माता ने। तो इस हनुमान जयंती या हनुमान जन्म उत्सव जो भी आप बोलते हैं, आपको कुछ करना है उपाय। क्या उपाय करेंगे आप? आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहा धो के आप राम परिवार के आगे आप जलाएंगे दो दीपक। कौन से दीपक जलाएंगे? एक चमेली के तेल का और एक आपको तिल के तेल का। चमेली के तेल का हुआ हनुमान जी के लिए, तिल का तेल का हुआ सीता माता के लिए। और पांच अगरबत्तियां, अगर अगरबत्तियों से परहेज है आपको तो आप पांच धूप जला सकते हैं। और आपको यही चौपाई को 108 बार पढ़ना है और अपनी मनोकामना माता जानकी को बोलनी है और उन्हें बोलना है। आप अष्ट शक्तियां और सिद्धियां दे सकते हैं, नौ निधियां दे सकते हैं हनुमान जी को, तो मेरी एक छोटी सी ये मनोकामना जरूर पूरी करें। आप ऐसी प्रार्थना करके देखिए, देखिए आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आई होप दिस हेल्प्स। नमस्ते, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय वीर हनुमान।